भाई से बात करना था। प्रॉब्लम तो है इसमें, एक ही साइड घूम रहे ना मोटर, तो अभी क्या करता रहेगा, घुमाता रहेगा, बस ऐसे घुमाता रहेगा तो इसका गेट टूट जाता है अंदर का, प्लास्टिक का गिर रहे थे ना, एक बार इसको घुमाने के बाद इसको बंद बंद करने के ऑटोमेटिक आके बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली, चाहे मशीन चालू रहे चाहे चाहे ये रहे, तो चालू करके छोड़ देने का। वो मेरे को समझ में आ गया, सोने दो इसको। भाई क्या प्रॉब्लम है वॉशिंग मशीन में? समझ गया मैं। क्या प्रॉब्लम है बता। ये है टाइमर 15 मिनट का, टाइमर को कभी रिटर्न नहीं घूमना चाहिए, ख़राब हो जाता है, अलर्ट चालू करके छोड़ देंगे, अभी हम डायरेक्ट चेक करेंगे। बजर भी खराब है, बजर भी जा चुका है, तो चेक किया हमने, टाइमर खराब है इसका, बजर भी खराब है। ये इसका पुराना टाइमर जो खराब हो गया था, ये है नया टाइमर 15 मिनट का, इसको भी हम कनेक्ट करने वाले हैं इसको इसके साथ। क्लॉक और एंटी क्लॉक सेट दोनों से घूम रहा है, टाइमर को कभी रिटर्न नहीं घुमाना चाहिए, इससे टाइमर खराब होता है। सेम टू सेम टाइमर मिला है, जरूरी नहीं इसका ही होना चाहिए, उनसे भी टाइमर सेम होगा फिटिंग होगा तो बिठाया जा सकता है। तो बजर तो नहीं मिला है, बजर ऑफ होने के बाद बजर नहीं बचेगा। मशीन कंप्लीट हो चुका है, हो गया है। टाइमर को रिटर्न कभी घुमाने का नहीं, ऑफ करने का नहीं, खराब हो जाएगा। इसको क्या नहीं करने का? अगर मशीन अगर बंद है, बटन बंद है, ठीक है, टाइमर अगर आपने घुमा दिया ऐसा 15 तक ले लिया, तो ये ऑटोमेटिक आके रुक जाएगा, जरूरी नहीं कि इसको घुमाने के इसको ऑफ करना है, ये अपने आप आके रुक जाएगा। अगर ऐसा करता है तो ये टूट जाएगा, क्योंकि उसमें लॉक प्लास्टिक का होता है, टाइमर है इसमें, ये सब प्लास्टिक का गियर है पूरा अंदर का, तो अपन इसको घुमाएंगे रिटर्न तो टूट जाता है, इधर ऐसे घुमाएंगे तो टूट जाएगा। हाँ, तो इसलिए ऊपर ही रखने। हाँ, अगर जहाँ पे मशीन कंप्लीट हो गया बंद करके छोड़ देने का, रिटर्न कभी घुमाने का ही नहीं, सबको बोल देने का जितने जन को।